हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं मंदाग्री हिल्स, मंदाग्री बेटा। ये तुमकुर गांव में है, ये बेंगलोर से ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर है और ये एक जैन टेंपल है और एक बहुत ही अच्छा हिल है। तो अभी हम खड़े हैं पार्किंग एरिया में। पहले हम पार्किंग आए, हम लोग अपनी जैसे आप देख पा रहे हैं गाड़ी, ये पार्किंग है और यहाँ पार्किंग का चार्ज ऑलमोस्ट 40 रुपीस लिया है कार का। और ये हमारे देख रहे हैं आप मंदाग्री हिल्स, ये देखिए, ये जैन लोगों का सबसे बड़ा मंदिर है। अभी हम पार्किंग से चल रहे हैं हिल्स की ओर, देखिए। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के सामने। देखिए, आप मंदिर देख सकते हो, ये मंदिर है। मंदिर में हम लोग एंटर कर रहे हैं और पहले हम लोगों को शूज उतारने हैं, शूज यहाँ उतारने। तो गाइस देखिए, आप आज दर्शन कीजिए महावीर जी के। ये क्या है? ये बेटा है हिल, इसमें ऑलमोस्ट 450 स्टेयर्स हैं, इसमें हमको चढ़ कर जाना। ऊपर भी एक टेंपल है, ये सनसेट और सनराइज देखने के लिए गाइस बहुत ही अच्छा स्टॉप है। जब भी आपको एक परफेक्ट सनसेट सनराइज देखना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, काफ़ी स्पिरिचुअल। एंड ये क्या है? ये जैन टेम्पल है अंदर। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं नेहा के सामने जो है मंदाग्री हिल्स है। तो अब हम इस पे चढ़ेंगे। तो अब हम लोग इस पे जाने वाले हैं। यहाँ कार से भी जा सकते हैं और जीने से भी जा सकते हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कार से जाने का, क्योंकि 450 स्टेयर्स हैं तो थोड़ा टफ लग रहा है जाना। तो हम देखते हैं अब कार से जाते हैं या जीने से जाते हैं। तो लेट्स गो। अब हम लोग पहाड़ी पेटा पे चढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए पहाड़ी के रास्ता, ये गेट है। यहाँ से कार अंदर भी ले जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है पैदल ही जाने का। तो अभी देखिए क्या होता है, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। आप देख ही सकते हैं आज का मौसम और ये नज़ारे इतने प्यारे। और ये 450 सीढ़ियाँ क्या है, ये तो हम 10 मिनट में चढ़ जाएंगे। अभी देखना आप हमारे ब्लॉग में। पहाड़ यहाँ से ये विशाखा को देखिए, वो तोड़ती ही जा रही है। अब देखिए हम लोग बहुत ही करीब हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ से सीढ़ियाँ चालू होने वाली हैं। गाइस अब देखिए, यहाँ से जो ये रास्ता है, यहाँ से कार डायरेक्ट जा सकती हैं और ये सीढ़ी वाला रास्ता है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है हम सीढ़ी से जाएंगे। और जैसे अगर आप कार से हैं तो आप ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं कार से जाने के लिए, कार बाइक टू व्हीलर। और हम लोगों ने चूज़ किया है सीढ़ी से जाने का। और आज बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो देखिए, तो यहाँ पर आप पहले आप कुछ लेना हो तो पानी मानी ले सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ देखिए आप। ये अब यहाँ से स्टेयर्स चालू, हमारी जर्नी स्टार्ट। सो स्टार्ट। तो कुछ लोगों को जीने से चढ़ना हो तो जीने से चढ़ सकते हैं, और ये पहाड़ी है, पहाड़ी भी चढ़ सकते हैं। तो जैसे देख रहे हैं मेरी वाइफ 5 मिनट में घूमते हुए जा रही है और हम लोग तो मजे ले रहे हैं। और ये पहाड़ी, ये सीढ़ी, नज़ारे आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। सारे बोलो जय माता दी। हम लोग थक गए हैं बहुत, इतने आप लोगों से बोलूँगा जल्दी चलने की कोशिश ना करें, इस पहाड़ी पे धीरे धीरे चढ़ें। थक गए हैं आप? और पहाड़ी बहुत अच्छी है,
इस पे आप जैसे और थोड़ा संभल के पहाड़ी चढ़ने से मैं बस रिकमेंड करूँगा जीने चढ़ें। सीढ़ियाँ अच्छी हैं, गिरने का डर नहीं है। पहाड़ियों पे ऐसे चढ़ोगे तो हाथ भी भर जाएगी। लो अब हम लोग सीढ़ियों से आ गए स्टेयर से और नहीं जी गाइस थोड़ा बैठ जाएं। गाइस हम लोग थोड़ा आराम करना पड़ेगा, हम लोग रेस्ट करते हैं, आप लोग भी आराम कीजिए। मैं आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। ये वो मंदिर जहाँ हमने अभी दर्शन किए थे, दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए। वहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की थी, हम उसको पकड़ो। आ रहे हैं हमें, बारिश हो रही है देखो वहाँ पे। देखो हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप माहौल कैसा हो रहा है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है इस पहाड़ी का। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर यहाँ आए। उधर से गिर जाओ, इधर आ जाओ। ये देखिए व्यू कितना अच्छा हो रहा है। वो थोड़ा डेंजरस लग रहा है यहाँ। हाँ यार देखो वही जो हमने अभी पटरी क्रॉस कर लिया। हम लोग पहाड़ी पे आ गए हैं और पहाड़ी के ऊपर से देख ही नजारा है, कहीं बादल कहीं बारिश। मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैदल आए, सिर्फ कार से आए। यहाँ आने के बाद आप लोगों की हालत बिल्कुल चलने लायक नहीं बचेगी। गाइस देखो अब हम लोग सिर्फ मंदिर के सामने पहुंच गए, ये है एंट्री गेट। यहाँ हम लोगों को सूट उतारने पड़ेंगे, फिर इसके बाद दर्शन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। और आप पहाड़ी भी देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको पहाड़ी के चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए इस साइड आई थिंक वायरस हो रही है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो इस पहाड़ी पर। और ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है, कितना शानदार। ये वो मंदिर जो हमने देखा हुआ था अभी, और ये देखिए नज़ारे, कहीं बादल हैं कहीं बारिश है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ के नज़ारे कितने औसम हैं। आप बादलों को देखिए यहाँ से, ये काली घटाएं।
ये मंदिर के पास, ये मंदिर का गेट। आज बादल देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। वाओ ये वाला व्यू देखने के बाद हम लोगों की थकान छू हो गई है। ये देखिए आप कितना प्यारा व्यू है। वाओ यहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं, इस आप दिखा दूँ यहाँ तक आ सकती हैं, यहाँ तक सारी गाड़ियाँ रखी हैं। वो पार्किंग है। ये ट्री है और ये बौद्ध भगवान जी यहाँ शायद उपदेश दिया है इस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान जी ने। ये सभी लोग उनके उपदेशों को सुन रहे हैं, सभी उनके अनुयायी बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब वो उपदेश देते थे, कथा कहते थे ना, तो पशु पक्षी सब कुछ आके बैठ जाते थे। आप देखेंगे वहाँ पे शेर, चीता, हाथी, मनुष्य सब लोग इकट्ठे होके शांति से सुना करते थे। छोटी सी लेक, वो देखिए वो, ये देखो वो सभी बैठे हैं, शेर, चीते, हिरण, जिराफ। गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, मौसम में आए हुए हैं। तो गाइस अब हम लोग अपना प्रोग्राम एंड करते हैं, हमारा ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग आपका प्यार देते जाएंगे, हमारी वीडियो देखते जाएंगे, आप लोग ऐसे ही इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे और ऐसे ही नए ब्लॉग्स लेते जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।
वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज हवा बहुत तेज है, आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अबे नाइट व्यू है, अब हम लोग उतर रहे हैं।